स्कूल में 7 दिवसीय योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से किया गया। इस शिविर में पतंजलि योग समिति की ओर से भी आए हुए प्रशिक्षकों द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर योगा अध्यापकों ने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर स्कूलों में बच्चों को योगा के बारे में जागरूक किया जाए और शिक्षित किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के समय स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, परंतु अब यह कार्यक्रम लगातार करवाए जा रहे हैं, जिसका लाभ स्कूली बच्चे भी उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में योगा को अनिवार्य किया जा रहा है ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य स्वस्थ और उज्जवल हो सके। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ले चुके अध्यापकों ने बताया कि यहाँ पर पूरे जिले से विभिन्न स्कूलों में लगे योग शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है और सभी शिक्षक अपने आप को तंदुरुस्त और फिट महसूस कर रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रेलवे रोड के प्रिंसिपल ने बताया कि पूरे हरियाणा में इस तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जिन स्कूलों से पीटीआई टीचर यहाँ नहीं आ सके, उन्हें अन्य अध्यापकों को योग के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बिल्कुल निशुल्क रहा है, जिसमें पतंजलि योग समिति की ओर से भी आए हुए प्रशिक्षकों द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उन्होंने पतंजलि योग समिति का आभार भी व्यक्त किया है। शिक्षा का अपने शिक्षा विभाग की तरफ से ये 3 बैचेस के अंदर जो है सभी हरियाणा प्रांत के सभी शिक्षकों को, जैसे पीटीआईज और या जिस स्कूल में पीटीआईज नहीं है उस स्कूल के अन्य शिक्षक को जो है इस प्रकार के योग की शिक्षा जो है ये देने का प्रयास विभाग के द्वारा पहली बार किया गया, और इसमें पतंजलि योग समिति की तरफ से सहयोग किया गया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास वो कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ पतंजलि योग समिति का और शिक्षा विभाग की तरफ से कि उन्होंने अपने लेवल पर और बिना किसी खर्चे के जो है इस प्रकार से हमारे शिक्षकों को शिक्षित करने का प्रयास जो है वो किया है। कहाँ से आए हैं टीचर? ये अभी इस ब्लॉक जो इस बैच में जो है होंडा ब्लॉक और इंद्री ब्लॉक और निस्टिंग ब्लॉक के टीचर हैं। पहले 2 बैचेज में एक बार करनाल ब्लॉक और होंडा ब्लॉक था और एक बार असंत ब्लॉक और इंद्री ब्लॉक था। कितने दिन चला ये प्रोग्राम? ये पहले 1 बैचेज में चला था, बीच में किसी कारणवश कोरोना की संख्या बढ़ने के कारण पेशेंट्स की तो बीच में रोक दिया गया था, तो जिस कारण से जो है ये 2 बैच जो है बाद में संपन्न हो पाए। कहाँ से आए मैम? सर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबरी से। कितने दिन क्लासेस लगी यहाँ पे? 7 डेज। क्या सीखा आपने योगा और प्रशिक्षण हमने आपके मध्य में हुआ ऐसा पैकेज ट्रेनिंग ऐसा प्रोटोकॉल सीखा जिसमें कि हम जाके स्कूल में बच्चों को अच्छे ढंग से हम थोड़े समय में उनको योग सिखा सके, जो उनके काम में उनकी पढ़ाई में भी और विद्यार्थी जीवन में भी उन्हें बहुत लाभकारी। योगा भी एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है अगले साल से, जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें क्लास 6 to 10th एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है। लेकिन कहाँ से आए हो सर? मैं गवर्नमेंट बोलो सेंटर स्कूल से। कितने दिन योगा किया आपने यहाँ? ये 7 दिन का शिविर कैंप था हमारा। और इस तो क्या सब सोच कर आए आप यहाँ पर योगा को लेकर स्कूल यहाँ पे? योगा का हमारा पीटीटी पीस का वैसे भी एक पार्ट रहता है, और यहाँ पर ये आया कि हम लोग जो छोटी छोटी सी बातें हम अभी मिस कर रहे थे या आजकल नहीं करवा पा रहे थे खुद भी नहीं है, और कुछ चीज़ें और भी सीखने को मिली है यहाँ पर जो कि हम जाकर के बच्चों को फिर से सिखा सकते हैं और बच्चों के साथ साथ आगे अध्यापकों को भी सिखाने। और जो बाकी बच्चे बच्चे छूट गए थे वो बच्चे मतलब वो टीचर्स भी यहाँ पर आए हैं सर, पीटीटी भी हैं और कुछ अन्य टीचर भी। सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया ये भी योगा का? हाँ जी, सब्जेक्ट इंक्लूड है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।